मोहब्बत है औरंगाबाद से, यहाँ की आवाम से, क्योंकि इंसान की जब जिस्म से रूह निकल जाती है, जिस्म का तो कोई माने नहीं, मगर मेरी ख्वाहिश है कि अगर मेरे को मौका मिले तो मेरे को इसी सरजमीन में मेरे को दो गज जमीन मिल जाए। उस पर भी उद्धव ठाकरे कहते हैं कि तेरे को ये जगह नहीं मिलना चाहिए यहाँ की। मैं जिंदा हूं तो सांप हूं, मैं मर गया तो मेरे को जमीन में जगह नहीं मिलना। मेरे भाई, इसका फैसला आप ही करो, इसका जवाब आप ही दो जमहूरी तरीके से, कि जिस तरीके से इस तरह की वाहियात जबान इस्तेमाल करना, ये मैं समझता हूं कि ये आदाब के दायरे से ज्यादा निकल चुके हैं। और जमहूरियत में मुझे पूरा यकीन है, मुझे यकीन है कि औरंगाबाद की आवाम जो मोहब्बत से मुझे आपने नवाजा है, मैं आपका मखरूज था, हूं और जिंदगी भर रहूंगा। बस आपसे अपील कर रहा हूं कि जो लोग मेरे जज्बात का मजाक उड़ा रहे हैं, आप उनको जवाब दे दो 21 तारीख के दिन, और जवाब इस तरह से दो कि जब तक ओवैसी जिंदा रहेगा औरंगाबाद को आता रहेगा, और जब इस दुनिया से चला भी जाएगा ओवैसी, तो ओवैसी हमारी जमीन में इसको खबर की जगह आप देंगे। मेरी आपसे गुजारिश है, इस बात को समझो आप, कितनी नफरत अंगेज बात उद्धव ठाकरे करके जाते हैं। क्या जरूरत थी उनको, आप मुझसे मुकाबला करना था, मुझसे तनकीद करना था कि तुमने कोई तकरीर में ऐसी बात कही, मगर नहीं, इनको नफरत मेरी इस जज्बात के ऊपर है। नहीं है, क्योंकि शिवसेना देवेंद्र फडणवीस की चालाकी को नहीं समझ सकी, शिवसेना नरेंद्र मोदी से डरती है, इसीलिए वो खामोश बैठी हुई है। उनका हाल ऐसा है, ना निकल सकते ना बैठ सकते, खाली खड़े हुए हैं, बस खाली खड़े हुए हैं, क्योंकि उनको मालूम कि निकले तो इन्हें छोड़ते नहीं, बैठे तो उठ नहीं सकते फिर, तो इसीलिए ओनली स्टैंडिंग खड़े हुए हैं। और हमको ये देखना है कि हम कैसे अपने पार्टी के कैंडिडेट को, अरुण बोडे को कामयाब कर सकते हैं। आपकी इसमें मैं फिर से बार बार कह रहा हूं कि 100% अपनी पोलिंग करवाइए, तभी जाकर अरुण बोडे की कामयाबी आसानी से हो सकेगी। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं जिस बात से बखूबी वाकिफ हूं कि शिवसेना के कैंडिडेट क्या कर रहे हैं, मेरे को मालूम कि बहुत ज्यादा मिठाई बांटेंगे कल से, तो आपका काम यह है कि जब उन्होंने मिठाई बांटेंगे तो जरूर मेरा नाम लेके मिठाई खाइए कि देखो ये आया बोल के मिठाई बांट रहे। मिठाई जरूर खाइए, मिठाई जरूर खाइए, मगर वोट अरुण बोडे को दीजिए। मिठाई खाइए मेरे नाम से, मगर दुआ भी मुझे दीजिए और वोट भी हमारी पार्टी को दीजिए, क्योंकि मेरे जलसे के बाद कल से शुरू हो जाएगा कि कैसा मिठाई बांटना, क्या एक गुलाब जामुन देना, क्या वो देना। मगर मेरे भाई, मिठाई भी खाइए, नान कलिया भी खाइए, मगर